हमारी अब जा चुकी है, तो गाइस मम्मी आ गई और बिल्ली पकड़े जाते सब। बेगम क्या बना रही हैं? मिलियन डॉलर्स की शिवलावेश। वो मेरे घर के ऊपर इतनी सारी चीले क्या कर रही हैं? तो देखते हैं भाई क्या बनेगा आज इस सारी में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं। मतलब गाइस मैं सोई अपने घर पे, उठी अपनी नानी के घर पर हूँ, क्या ही कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे। तो हम वैसे मैंने सहरी कर ली है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो अब बस हम खाएंगे एंड का लास्ट का अपना जो दही वगैरह होता है, हमारा जो मेन होता है दही खाएंगे। ये लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और जल्दी पियो, टाइम नहीं है ज़्यादा। दोनों चाय पी रहे हैं और पराठे खा रहे हैं और हम खाएंगे अपना दही। अम्मी मेरे दांतों के बीच में चीनी जाके फंस गई अरे चीनी ऊपर वाले गैप में खा, एकदम से उठा करके जाके बड़ा मसला है ऐसे स्टाइल वाले दांत रखने का। ओह माय गॉड गाइस, ऐसे दांतों के लिए ना आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, मुंह हमो हाथ तोड़ना पड़ता है। स्पेशल दांत ना सिर्फ किसी किसी के पास होते हैं, जैसे मेरी बहन के पास, उसकी हरकतें भी वैसे होती है। इसके पीछे की एक स्टोरी है जो मैं कभी आप लोगों को बताऊंगी, जब भी मैं अपना चाइल्डहुड शेयर करा आप लोगों के साथ। दही कितने मजे का दही है, साफ सुथरा। मैंने कहा मैं वो पुराना दही नहीं लेना, लगा ही रहा था। सबसे पहला सौंफ वाला दही हमने लिया बिना मलाई का, पैसा निकल गया प्लस। अरे आराम से निकल रहा प्यार से, इतना बेस्ट टाइम वाली बच्ची बनी है। तूने कर सकते हो गया अभी है टाइम, मैं बोल रहा काम है आज का टाइम। अन्न ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो, हां 5 मिनट भी है। चलो जल्दी करो पानी पियो, पानी पीने चाय वाली जिसके बाहर एक डॉगी को देख लिया था, डॉगी इतना अजीब सी हालत में था कि ना मतलब देख के मुझे ऐसा था कि लोग क्या केयर नहीं करते। वो डॉगी को देख के ना मेरी बिल्कुल तबीयत खराब हो गई थी गाइस। हम लोग बिल्कुल सैड हैं, हमें नहीं हुआ पता है मुझे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। डॉगी की ना बड़ी खराब हालत थी, छिला हुआ सा था सब फड़ता। मुबारक हो, बस एक मिनट है, हो गया खत्म। हो गई तुम्हें पता चल गया। मिलते हैं आप लोग से तारी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मतलब गाइस मैं सोई अपने घर पे, उठी अपनी नानी के घर पर हूँ, क्या ही कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे। फादर जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। समझ नहीं आ रही है मेरे, लाइक हाउ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा ठीक है ओके, एक्टिंग हो गई शायद, ओवर भी हो गई हो तो एडजस्ट कर लेना। सो या गाइस गुड मॉर्निंग, अभी इफ्तारी की तैयारी नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैंने व्लॉग जरा जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं आई हुई हूँ, जरा मैं निकली थी किसी काम से निकली थी मैं, ओके। और जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मतलब नहीं हो पाया ना, तो फिर हमने कहा क्या करें, इधर उधर भटकने से अच्छा है अच्छा ठिकाना है हमारा नानी का घर। हमने कहा नानी के घर चले जाते हम थोड़ी देर के लिए। तो हाँ अभी मैं नानी के घर आई हुई हूँ और बस मैंने आराम करा, बड़ा ना मज़ा आया, अच्छा लगा। और कुछ खा पी जा सकती नहीं हूँ क्योंकि रोज़ा है, आप लोगों को पता है इतना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस तलब हो रही है, लेकिन नो वे रोज़ा रखा है मैंने। तो बस अब जैसे मैं अपना गेटअप चेंज करती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग वापस जाना है घर पर। तो बस देखें यार कैसे मेरे कल सुधर रहते हैं मेरे साथ,
सोई कहीं पे उठी कहीं पे। आ गई भाई आपकी बहन। ओके स्लिप डिप्राइव्ड हुई हूँ, 3-4 घंटे की नींद लेके आपकी बहन उठी हुई है और अब यहाँ नानी क्या आई हुई है बेशर्मों के तरह। ड्रामा क्वीन बनी हुई मैं सुबह सुबह उठने के बाद। टन आप लोग देख सकते हैं रेडी हूँ मैं और बस हम निकलते हैं तब पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस वेलकम बैक एंड या आई एम बैक टू दी होम माय स्वीट होम। तो बस तो मैं कहा यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो सनलाइट के अंदर जो मैं करती हूँ ना स्टार्ट इससे फील ही अलग आती है। अभी आज हम किचन में आ गए हैं और इतनी ज़्यादा थकन हो रही है ना गाइस क्योंकि रोजे में फिर आना जाना बाहर का आना जाना जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा, वर्किंग वुमेन एंड मैंस होते हैं उन्हें पता होगा। तो पर से जो काम के लिए भी निकलते हैं तो भाई बहुत ही ना गर्मी की गर्मी फिर भी ना इस बार इतनी नहीं है जितनी पिछले सालों की निस्बत बेहतर है मौसम के, थोड़ा ठंडा गर्म नरम गर्म ऐसा वाला है। तो आज मैंने अम्मी से पूछा आज क्या बना रही है तारी में, तो अम्मी ने क्या बोला क्या बोला जो भी बन जाए। तो देखते हैं भाई क्या बनेगा आज इफ्तारी में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमने रेडी कर ली हैं जिनके बगैर इफ्तारी अधूरी लगती है। फ्रूट चाट और दही बड़े और चने बस रह गए ना अम्मी, बस चने रेडी करने, बस मैं चने रेडी करूँगी। गैस आपको पता चने बनाने में मांगी हाँ सिमरा फ्रूट चाट बनाती है, नबिया ने दही फेंकती है, फुलकी तो बनी जाती है कोई बना देता है, तो इस तरह रेडी हो जाते हैं हमारे दही बड़े भी। तारी की तैयारी करते करते मुझे क्या चीज़ मिली जब मैं मिर्चों की टोकरी में गई, कहाँ गई मैं कहाँ रख दी प्लेट में रखी तमीज से अरे सामने अल्लाह। गाइस ये देखे माशाल्लाह से ये इतनी प्यारी है मैं छोटी सी ये अम्मी क्या वो है ना शिमला मिर्च, गाइस ये लिटरली शिमला मिर्च है ये हमें मिली है। कैप्सिकम ये देखें आप, जिन्हें कैप्सिकम पता है वो कैप्सिकम समझ ले, जिन्हें शिमला मिर्च पता है शिमला मिर्च समझ ले, दोनों की आसानी कर दो क्योंकि मुझे लोग कहते हैं ना आप इंग्लिश में बोल देती हैं हमें उर्दू में समझ ही नहीं आता, तभी मैंने कहा मैं अपने लोगों के लिए दोनों चीज़ें बोल सकती हूँ। तो ये देखें आप ये कितनी टाइनी टाइनी सी क्यूट क्यूट सी लग रही है ये देखें। वाह आज हम ना मिनी खाना बना रहे हैं ऐसी, किसी को चाहिए ये मैं मिलियन डॉलर की बेच रही हूँ बोले खुद ही गाले भाई मिलियन डॉलर्स की शिमला मिर्च बेच रही हूँ। कौन लेना चाहेगा जल्दी करें कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल, जो सबसे ज़्यादा करेगा कमेंट उसको मिल जाएगी ये शिमला मिर्च, तब तक के खाली होगी मैंने गर्मी में चली थी रोज़ा तो लगता है। और जब मेरी अम्मी के साथ बाहर जाती हूँ मैं तो वो इतना चलाती है मुझे इतना चलाती है कि बस मुझे सेहत देख के पता चल सकता है सबको अभी बस सेहत भी है तो हमारे पापा मम्मी बैठने का फायदा भी तो ना थोड़ा वेट ही बढ़ जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। और गाइस हम लोग अभी बाहर गए थे ना तो मुझे क्यूट क्यूट इतनी प्यार प्यारी चीज़ें दिख रही थी कि मेरा ना हाथ रोक नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा कंट्रोल करो और यहाँ पे अम्मी ने मुझे ये दिलाया अम्मी मुझे मतलब मेरे कहने पर ये लिया, ये तो क्यूट क्यूट सी हम बॉटल्स लाएँ छोटी छोटी सी, बड़ी वाली तो होती लेकिन क्यूट क्यूट ना ये छोटी सी बड़ी प्यारी लग रही थी। इसे ऐसे करके ऐसे आपने ऐसे तो फिर उसके बाद आप ये लें, ये क्यूट से हमारा पेड़ रेडी हो गया। इनकी अम्मी वो हमने रख दिया वो अंदर रखे वाली खाती ये भाई ओ, गर्मी एक तो ऊपर से ये स्टीम मिलती है ना चूल्हे के सामने खड़े होके इसके नीचे। लेडीज मोर पावर टू यू एंड ऑल्सो जेंटल्समैन मैं इसलिए याद रखती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू भी बाहर मुल्क में खुद ही इफ्तारी बनाते हैं खुद ही सहरी बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मुल्क में हैं यहाँ पे सहरी नहीं सारे काम खुद करते हाँ मतलब वही सारे काम खुद करते होंगे, तभी जेंटलमैन एंड लेडीज हेड्स ऑफ टू यू ऑल मोर पावर किड्स से बड़े तो हो जाओ मेरे जेंटल। मैं पिघल रही हूँ यहाँ पे आई एम मेल्टिंग मैं जो आ गई किचन में पानी बन गई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है गाइस एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाती हूं जल्दी किंदा भी भर पानी में गाइस देखिए किंदा पी ये रहे कौन है ये लोग कहां से आते हैं किंदा पी निकलो बाहर अभी रोज तो पानी नहीं पीना पानी बन गया इतनी सस्ती एक्टिंग कर रहे हैं ना फिर मासी के रोल में भी निकल गया तो मैं
तो मैं क्या, मुझे भी फ्लॉप एक्टिंग के लिए माजरत, ठीक है ना, हमारे रोजा लगा है, दिमाग इज नॉट दिमागी। ये आपकी ब्लॉगर आ गई है, ठीक है, आपकी बहन ये रही है, देखें आप किचन पूरा मेरा। इसे मुझे कहा था कि ना आप अपना होम टूर दें, तो भाई मैं पूरे ब्लॉग में अपना घर दिखाती हूँ, काफ़ी नहीं है, अलग से होम टूर और क्या चाहिए, मतलब तो क्या देखना चाहते हैं आप, क्या घर के वॉशरूम देखना चाहते हैं, हम लोग नालियाँ देखना चाहते हैं। आप लोगों को अपना होम टूर कभी भी नहीं दूंगी, हाँ जब अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हुआ, नहीं बेगम हम आज दोनों साथ में बनाते हैं। गाइस ये देखें, मोमेंट हो गया मेरा तो, ये वाला हाथ छोड़ने पकौड़े जल जाएंगे वाला। हाँ भाई हमारा मोमेंट हो गया भाई, हमारा खत्म हो गया भाई, इस वाले पे टिक लगा देते हैं, बिकॉज मैं बहुत खराब, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐसे कोई डेलोलो नहीं है हमारे। ओके आज हमारी सारी जल्दी रेडी हो गई है, मौसम आप देखें कितना प्यारा लग रहे हैं, ये सब वो मेरे घर के ऊपर इतनी सारी चीलें क्या कर रही हैं, कुकू क्या लेने आई हैं आप लोग, अफ्तारी करने आई हैं, अम्मी चीलें कितनी सारी हैं वो देखो घर के ऊपर ही घूम रही हैं, जल्दी आओ। ओ भाई गाइस ये कान भी, ये देखें यहाँ ये सर यहाँ यहाँ घूम रही, सामने कहीं भी नहीं है और यहाँ घूमे जा रही, कुछ डाला था छत पे क्या, अरे तुम अंदर आ जाओ, नहीं वैसे चीलें ना कान ले जाती, मेरी दादी का कान खींच कर रखी थी एक बार सी, तो वो दादी बच गई थी, वो तो शुक्र है मेरी दादी के, मेरी दादी पास काम थे दोनों। वो तो थे लेकिन चील तो आई तो थी ना खींचने के लिए, तभी चीलों से बच के रहें, गेट बंद कर दिया वरना चीले अंदर आ जाए। मुझे पता है इतना लेम समझते सब मुझे, आज सिर्फ मैं ये खाऊंगी अफ्तारी में, सिर्फ ये, मैं क्योंकि डाइटिंग पे सिर्फ ये वाला फूड खाती हूं। क्या है ये, हाँ ये हमारी टिंकी मिंकी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने से पहले, ज़्यादा मेरा दिमाग बिल्कुल ही ना चल जाए, मैं खुद मेरे अंदर का शैतान है वो ख़त्म हो तो फिर मैं आती हूँ आपके पास। हम लोग नमाज वगैरह से हम डन हो चुके हैं, फिक्र है गाइस कि हम लोगों ने सारी वगैरह से पहले ही डन कर ली थी, क्योंकि गैस भी हमारी अब जा चुकी है, तो अब नो टेंशन, हमने खाना भी बना लिया था, मैं सही बात, मेरी अम्मी ने, मैं कह रही थी क्या बनेगा क्या बनेगा, बट मेरी अम्मी ने ये बना दिया है क्या, मटर का पुलाव, और ये मेरी अम्मी ने मज़ेदार, अम्मी स्टू है मैं कल कहने वाली थी अम्मी सब लोग स्टू बना लें, हाय मेरी माँ ने मेरी दिल की आवाज़ सुन ली गाइस, अब बैठ चुके हैं सब जल्दी से यहाँ पे तारी करने के लिए, तो आज हमारी मार्केट से तारी भी डन हो गई और खाना भी डन हो गया, भारत का बाहर का मौसम देख सकते कितना प्यारा हो रहा है, ओह ये देखो रॉकेट गया, ये देखो रॉकेट गया है गाइस यहाँ से, तभी ऐसा हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा रोज़ा लगता है तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे कम रोज़ा लगता है तो मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, तो एडजस्ट करें, खुश में आ गई। पानी रखा है ना, दुआ करो, दुआ पे फोकस रखा करो, दुआ का मेन टाइम होता है, खास टाइम, प्लेटें वगैरह सब बनती रहेंगी, वैसे दुआ करो। सहरी के बाद कह रही हूँ, इफ्तारी के बाद मिलते हैं आप लोगों से। So guys, that's it for the vlog. I hope you guys like this video. If you did, don't forget to give a thumbs up, share this video, comment on the video, subscribe our channel, follow our Instagram accounts. We'll see you in the next vlog. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.